आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आपके लिए क्रूशियल और फ्रूटफुल होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो जरूर देख लें। कुछ मैंने पुराने वीडियो से भी क्वेश्चन उठाए हैं ताकि आप समझ पाओ कि आपको पुरानी चीज़ें कितनी याद रही है। तो क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देते जाइएगा जो मैं पूछने वाला हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कि आप कितने पानी में हो, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मिथुन सिंह और पहले क्वेश्चन के साथ जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था स्कूल बच्चों के लिए जिसका नाम था युविका। आपको बस ये बताना है कि ये किस इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया था। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसरो। ये क्या हो जाएगा? इसरो। अब इसरो से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है एजुकेशनल फील्ड में, तो आपको ये बताना है कि इसरो ने हाल में ही अलग अलग स्कूलों के बच्चों के द्वारा एक रॉकेट लॉन्च करवाया था जो कि असफल हो गया था आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75वीं वर्षगांठ पर। आपको बस उस रॉकेट का नाम और साथ में कुल कितने वहाँ पर बच्चे चुने गए थे इसका नाम जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे बढ़े वीडियो में, उससे पहले बता दूँ 99 में NBS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपको जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो कि मेरे हैंड रिटन होंगे। जिनको चाहिए होगा वो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। नेशनल एजुकेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है किसके बर्थ एनिवर्सरी में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसमें गलतियाँ करोगे। आपको लगता होगा APJ अब्दुल कलाम, ये भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू, ये भी गलत है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑप्शन सी है। और इंडिया के पहले HRD मिनिस्टर यानी कि ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इन्हीं के द्वारा संभाली गई थी। सादी भाषा में इसे आप जो है शिक्षा मंत्री समझ सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है किस डे को? देखिए, अगर आपको सिर्फ डे वाली वीडियो चाहिए कि कौन सा डे इंटरनेशनल या फिर नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो डेज कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो 50-60 क्वेश्चन की ले आऊँ, ताकि आपका जो है एग्जाम में फ्रूटफुल रिजल्ट आ सके। तो जिनको चाहिए होगा डेज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डायबिटीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए, जो चिल्ड्रन डे है, बाल दिवस है, वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। जिसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, बच्चे ने बहुत सारी मिठाई खा ली चिल्ड्रंस डे पे और उसे डायबिटीज हो गया। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा नवंबर 14 को जवाहरलाल नेहरू हैं उनका बर्थ एनिवर्सरी भी होता है, उसी दिन बाल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है और डायबिटीज डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। देखिए, जो इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस और पीस है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, किस वीक के दौरान आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। सारे लोग इस क्वेश्चन को अटेंड करें, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कितने लोग इसका आंसर सही सही कर पाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज करती है कौन से फंड पे? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहे, नीचे कमेंट करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने तैयार हो एग्जाम के लिए। नीचे प्लेलिस्ट की वीडियो भी मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहां से जाकर टॉप 50 वीडियो के सारे वीडियो जरूर देख ले एग्जाम से पहले, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेशनल चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। देखिए, अभी मैंने आपको इसका आंसर दिया था, 14th नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू का भी बर्थडे उसी दिन होता है और 14th नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे भी होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड, देखिए ये आपको बताना है, देख संभव, ये देखिए प्रोग्राम का नाम है, ये जो नए स्टूडेंट हैं उनको एडजस्ट और फील कंफर्ट कराया जाता है। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उनको अच्छे से इन्वायरमेंट मिल पाए जहाँ से वो ग्रो कर पाए, इसके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HRD मिनिस्ट्री, लेकिन सिंस इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। पहले HRD मिनिस्टर हुआ करते थे ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर, अब वो जो है एजुकेशन मिनिस्टर हो चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बदलाव किए गए हैं, ये चेंजेस किए गए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, आपको ये बताना है पीस एंड डेवलपमेंट जो डे है ये कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत हैज बीन स्टार्टेड बाय द विच यूनियन मिनिस्टर, तो आपको बस ये बताना है किस यूनियन मिनिस्टर ने पढ़े भारत की शुरुआत करी थी। धर्मेंद्र प्रधान ने, स्मृति जुबैन ईरानी ने, अर्जुन मुंडा ने या फिर एस जयशंकर ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। याद रखिएगा ये उड़ीसा से आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। हु हैज रिसेंटली क्रिएटेड द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूमरोलॉजी। नाम भी इनका अजीब सा है तो आप आसानी से याद रख पाओगे, जे चौधरी, याद रखिएगा। देखिए ये आपको नाम जो ऐसा दिख रहा है ना, इसका रीजन है न्यूमरोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। एक बार सोनू निगम में अपने नाम में उन्होंने क्या कर लिया था, ये जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं उन्होंने अपने नाम में डबल एन डबल यू लगा लिया था। तो इस तरह की चीजें होती है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्फेसाइज टू सेट अप विच फंड, देखिए आपको ये बताना है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है वो कौन से फंड के बारे में बताती है। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, ये आपको एक बार फिर से मैंने पूछ लिया, ये क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन था, तो नीचे जरूर इसका आंसर कर दे नीचे कि ये कब किया गया था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With which of the following the BLISS scheme is related, आपको बताना है ये जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी एजुकेशन से ये संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। Which state does not have जवाहर नवोदय विद्यालय, थंबनेल में आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय किस जो स्टेट है या फिर यूटी है वहाँ नहीं है। तो मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में जवाहर नवोदय विद्यालय आपको नहीं देखने को मिलते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस टू नेम मैनपुरी, जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है CDS बिपिन रावत के नाम पे से रखा गया है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट है। तो देखिए मैनपुरी कोई स्टेट है नहीं तो ये तो कट गया, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो देखिए मैंने पहले भी पढ़ाया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं ऑप्शन बी का, 25 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है। इसका राइट आंसर देखिए कंफ्यूज मत होना है आपको, 24 जनवरी है, मैं फिर से लिख देता हूं 24 जैन को इसका राइट आंसर है, लेकिन 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं नीचे कमेंट करके आपको बताना है। व्हाट इज द वेब पोर्टल एड्रेस फॉर, देखिए एनसीईआरटी के जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक है जो आप पढ़ सकते हो, वो वेबसाइट का नाम क्या है। कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख लो, www.ncertbooks.ncert.gov.in। देखिए ये .gov.in जो है ना, ये बताता है कि कौन सी ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है। जिस वेबसाइट के लास्ट में gov.in आ जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा हर तरह के वेबसाइट को जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हो, होम मिनिस्ट्री की हो, या फिर पीएम मोदी की वेबसाइट हो, और या फिर आपके स्टेट में भी जो है .gov.in जरूर लगा हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। What does MUSK stand for context of secondary and higher education? देखिए secondary और higher education के दौरान ये जो MUSK है इसका full form क्या होगा? तो देखिए इसका जो right answer हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए option number B, यानी कि माध्यमिक and उच्चतर शिक्षा कोर्स, B आपका right answer हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे question number 19 की ओर। देखिए ये जो नेस्कॉम फाउंडेशन है इसने किस फॉर्म के साथ रूरल डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए तेलंगाना में जो है एक विलेज है उसको एडॉप्ट किया है, उसके साथ काम करने की बात करी है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ए के साथ आपको जाना था। चलिए हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। NAAC फुल फॉर्म याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। NAAC
जिन्होंने हाल में एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, आपको बताना है उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है। तो देखिए इसका राइट नाम क्या हो जाएगा, रिवाइज्ड, ये ए नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे 21 की ओर, विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड अमंग टॉप 10 इन टाइम्स हायर एजुकेशन THE, जिसको वर्ल्ड का बेस्ट स्मॉल यूनिवर्सिटी से भी नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर कहाँ है, बेंगलुरु, ये रहा ऑप्शन ए में ही, इंडियन इंस्टीट्यूट यानी कि IIS बेंगलुरु को ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा आप। एक और बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ऑस्कर अवार्ड जो मिला हुआ है, एक्चुअली इंडिया की तरफ से ऑस्कर अवार्ड में कौन सी फिल्म गई थी, उसका नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो है KGF या फिर RRR का नाम मत लीजिएगा, ये आंसर सही नहीं होगा। ऑस्कर में जाने वाली फिल्म का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट इन ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2017 में ये जो है सबसे बेस्ट था। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, IIT मद्रास बेंगलुरु, एक्चुअली ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यहाँ से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। RSS चीफ जो मोहन भागवत हैं, इनको जो डिग्री प्रदान की गई है डॉक्टर ऑफ साइंस की, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान की गई है, नीचे कमेंट करके इसका आंसर आप लोगों को देना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है टाइम मैगजीन के द्वारा, उसको इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में रखा गया है, जिसका नाम क्या है, एडुकाट है, अनअकैडमी है, टॉपर है या फिर बायजू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायजू, शाहरुख खान के आवाज़ में आपने इसकी ऐड जरूर सुनी होगी, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। जाते जाते फिर से बता दूँ, 99 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस मेरे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ गुड डे।